सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वो ये नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो उस व्यक्ति के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत ये था कि लड़का अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था कि तुम मेरे से शादी करोगी? लड़की जवाब देती है, हाँ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज़ रोज़ हमें नए नए ताने देंगे जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा तब तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? ये सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझे भूल जाओगे? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी सांसें रुक सकती हैं लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़के के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़का को ये बात पता चला तो वो पागल सा हो गया। वो जिससे बहुत प्यार करता था उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। वो लड़का जानबूझकर ये सब कर रहा था जिससे वो लड़की उससे नफरत करने लगी, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। उस लड़के ने ऐसा ही किया कि उस लड़की के दिल में नफरत भर गया और लड़की उससे नफरत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई और वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वो शादी के एक महीने बाद वो अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंसकर कहती है, क्या है जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो उस लड़के की रिकॉर्डिंग ऑन करती है उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपने बहन से कहती है, ये आवाज़ तो हर्ष की लग रही है ना? छोटी लड़की कहती है, हाँ दीदी, जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन हर्ष का कॉल आया था। वो बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलते ही हर्ष रो रो कर कह रहा था, रीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन काट जाता है। हर्ष की ये बात सुनकर बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन हर्ष का फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या कहती दीदी, मैं तो कस्मों के धागों में बंधी हुई थी। वो अपने बहन को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस पे हर्ष का फ़ोन आया था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपने बहन को ज़ोर से डांट देती है। छोटी बहन हर्ष को फ़ोन लगाती है, दूसरी तरफ फ़ोन उठता है, हेलो हेलो आंटी जी, हर्ष कहाँ है? हर्ष की माँ रोने लगती है और कहती है कि
अब हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, ये कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हर्ष ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन पूछती है, आंटी कब की बात है? हर्ष की माँ कहता है, ये 19 मार्च की बात है बेटा। ये सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है, मैंने हर्ष की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा हर्ष आज मेरे से दूर नहीं होता। अगर मैं उसकी बातों पे भरोसा कर लेती तो प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त को ज़िंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने प्यार के नाम कर देती है। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे फैमिली को समझे और उसका कदर करे।